व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योगरत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज बात करेंगे मैंगोज के। गर्मियों का सीजन है, मैंगोज इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा हुए हैं। तो मैंगोज के पीछे मिथ यह है कि आप आम खाने से मोटे हो जाते हो। आम कैसा लाऊं मैं? आम ये अगर आप खा रहे हो तो आपका वेट लॉस होगा, अगर आप ये आम खा रहे हो तो आपका वेट गेन होगा। तो मैं आज इसी के पीछे उसकी सच्चाई है, उसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मैं आपको वही दूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा और कंप्लीट देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और तब तक मैं आम खाता हूँ, तब तक आप कहीं से घूम के चले आओ, तब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मिलते हैं वाइट बोर्ड के साथ। तो गाइज, व्हाइट बोर्ड पर समझाने का अलग ही मजा है। ये पुराने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम की याद आती है जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा करते थे। अगर आप 90s में पैदा हुए होंगे तो आपके साथ ये सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई होगी, बट अब ऐसा नहीं होता, अब तो सारे कॉलेज में भी व्हाइट बोर्ड ही है। खैर, कम ऑन द टॉपिक, बात करते हैं मैंगोज के ऊपर। तो मैंगोज अगर आप खाते हो तो आपका वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा। जो लोग वेट गेन करें उनके लिए मैंगोज का हेल्दी है, जो वेट लॉस करें क्या वो मैंगोज नहीं खा सकते हैं? तो यहाँ पे बात करेंगे मैक्रोस और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मैंगोज। तो मैंगोज में आप अगर आप एक मैंगोज लेते हो, अगर उसका मैं वो निकाल दूँ जिसका बोलते हैं बीज, तो लगभग 165 ग्राम ऑलमोस्ट मैं माना हूँ मैंगोज का जो सर्विंग साइज है, एक मीडियम साइज आम है वो। तो अगर आप उतना कंज्यूम करते हो 165 ग्राम, तो आपको मिलेगा 100 कैलोरीज। ये कैलोरीज बहुत कम है, यानी कि एक बनाना से भी कैलोरीज कम है मैंगोज की। अगर आप एक बनाना खाते हो तो आपको मिलती है लगभग 115 से 120 कैलोरीज, यानी कि मैंगोज उससे भी कम है। अब बात करते हैं इसके दूसरे इन्फॉर्मेशन जो कि है प्रोटीन। तो मैंगोज प्रोटीन बेस्ड तो फूड्स है नहीं, तो मिलता है आपको लगभग 1.5 ग्राम, बल्कि बहुत कम है। फैट देखिए, ये देखने वाली बात है, फैट है इसमें 0.5 ग्राम, ये भी बहुत ही अमाउंट कम है। साथ साथ अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि है 25 ग्राम, ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर है। इसके साथ अगर आप मैंगोज खाओगे तो आपको मिलेगा फाइबर्स जो कि 2.5 ग्राम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज शुगर। शुगर मिलता है आपको 25 ग्राम, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर वेट गेन कर रहे हो, तो ये दोनों कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है आपके लिए अगर आप मैंगोज खाते हो। बट हमारे इंडिया में होता क्या है, हम लोग मैंगोज कब खाते हैं? हम लोग मैंगोज खाते हैं जब अपना मील कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि रात का या सुबह का जब भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप एक या दो मैंगोज खाते हो। तो मैंगोज से वजन नहीं बढ़ता है, जो आपने पहले मील कंज्यूम कर रखी है 700-600 कैलोरीज के, उसके बाद आप एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज दे रहे हो दो आम खाने में, तब आपका वेट गेन होता है। तो ये मिथ है कि मैंगोज खाने से आपका वजन बढ़ता है, क्योंकि इसमें केवल 100 कैलोरीज है। अगर आप एक पूरा अपना मील काउंट करोगे तो लगभग उसमें होती है 600-700 कैलोरीज, उसके साथ दो मैंगोज और ऐड कर लो तो लगभग चली गई आपके 900 कैलोरीज। तो एक बार अगर 900 कैलोरीज आप इनटेक करोगे, जाहिर सी बात आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना अमाउंट आप ये खा सकते हो, तो जो मैंगोज है कोशिश करिए आप इसको अपने इवनिंग स्नैक में रख लीजिए। आप खा सकते हैं जब आप ऑफिस जाइए, मैंगोज ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, कुछ अंगूर ले लीजिए, उसके बॉक्स में पैक करिए, एक अच्छा मील आपका तैयार हो जाएगा। तो वो खाने से आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आप कम कैलोरीज इनटेक करोगे आपका वेट भी रिड्यूस होगा। अगर वेट गेन करना है तो जाहिर सी बात है खाने के बाद आम खाओ, धोती ऐसे बात, आप 1500-2000 कैलोरीज आप एक बार में इंटेक कर लोगे तो आपका वेट गेन होगा ही। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और उसके बावजूद आपको मन है मैंगोज खाने का, तो आप कोशिश करिए आप एक बॉक्स में मैंगोज, बनाना, ग्रेप्स तीनों मिला के आप ले जाइए, उसको आप हेल्दी स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। बट कोशिश करिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाने के बाद मैंगोज बिल्कुल भी ना ले। तो 100 कैलोरीज है। अब 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, सबको पता है। 1 ग्राम फैट में 8 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम शुगर में लगभग होती है 4 कैलोरीज। ये सबको, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए। तो कितना मैंगोज आप खा सकते हैं और अपने बॉडी की लिमिट होती है कि लगभग आप इतना ग्राम शुगर दिन भर में ले सकते हैं, चाहे वो चाय से ले लीजिए, चाहे आप नेचुरल फूड से ले सकते हैं। तो जो नेचुरल शुगर है इसमें मैंगोज में, वो इसमें आर्टिफिशियल ऐड नहीं किया गया है। तो ये नेचुरल शुगर है जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज नेचुरल शुगर है, जो कि जैसे कि दूध में भी लैक्टोज होते हैं, वैसे ही नेचुरल शुगर मैंगोज में होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो ये 25 ग्राम है। तो एक नॉर्मल पर्सन अपने कैलोरी का 10% शुगर इंटेक कर सकता है दिन भर में। तो सपोज करते हैं कि हमको दिन भर में मैं 3000 कैलोरीज ले रहा हूं, तो 3000 का 10% निकालेंगे तो आएगा लगभग 300। अब इस 300 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, यानी कि 1 ग्राम शुगर में 4 कैलोरीज आती हैं, तो ऑलमोस्ट मिला मुझे 75 ग्राम। तो 75 ग्राम मैं शुगर दिन भर में इंटेक कर सकता हूँ।
तो मैं अगर एक आम खा रहा हूँ तो लगभग 25 ग्राम मुझे शुगर मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। उसके बावजूद आपके पास लगभग अच्छा खासा अमाउंट है, आप एक और आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 2 ग्राम भी मैं खा ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ मिल रहे हैं 50 ग्राम शुगर, 50 ग्राम कार्ब्स। तो ये फिर भी एक अच्छा नंबर है। तो अगर मैं 2 आम खा रहा हूँ तो मुझे लगभग मिल रहे हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर और 50 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो फिर भी उसके पास मेरे पास लगभग 25 ग्राम शुगर बचा हुआ है। आप चाहे तो अगर टी ले सकते हैं, चाय में भी कुछ अमाउंट ऑफ शुगर रहती है, तो वो अगर ले लेंगे तो नेचुरल आप इस अमाउंट को क्रॉस कर जाओगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये अमाउंट किन के लिए है? जो जिम जाते हैं, जो अच्छा वर्कआउट पैटर्न फॉलो करते हैं, उनके लिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी का 10%, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी का 10% उनके लिए है। जो लोग घर पे सोते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए ये अमाउंट और कम है, यानी कि उनके लिए 5% टोटल कैलोरीज। ये 5% किन लोगों के लिए है? जो हमारे पेरेंट्स हैं। ये इंडिविजुअल अलग अलग अमाउंट है। अगर आप पेरेंट्स के हिसाब से चलेंगे तो पेरेंट्स को लगभग अपने टोटल कैलोरीज का 5% ही शुगर दिन भर में ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, उस कंडीशन में आप उस अमाउंट का भी आधा, यानी कि 2-2.5% ही आप अपने टोटल मेंटेनेंस कैलोरी का शुगर ले सकते हैं। बट अगर आप हमारे जैसे लोग हैं जो जिम जाते हैं, घर पे भी वर्कआउट करते हैं, बाहर भी वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट भी करते हैं, तो आप लगभग अपने टोटल मेंटेनेंस कैलोरी का 10% यानी कि 75 ग्राम्स ऑफ शुगर दिन भर में ले सकते हैं। इससे आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपका गोल है, चाहे फैट लॉस, चाहे वेट गेन, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो कैलोरीज मिली मुझे 100। ये कैलोरीज तब है जबके लिए आप स्नैक के रूप में ले रहे हो। खाने के बाद लोगे तो आपका वेट बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रोटीन 1.5 है, फैट 0.5 है, कार्ब्स 25 ग्राम है, फाइबर 25 ग्राम है, शुगर 25 ग्राम है। तो ये अमाउंट बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। जितने भी आपके मल्टीविटामिन्स रिक्वायर होते हैं, अगर आप 2 आम खाते हो तो उसका 30% केवल उस आम से कवर हो जाता है। और समझ सकते हैं आम कितना हेल्दी है। तो कोशिश करिए डेली बेसिस पर एक आम तो आप जरूर खाइए। सीजन चल रहा है, फिर सीजन चला जाएगा, फिर अगले साल ही आएगा। तो इस डर से मत छोड़िए मैंगोज को कि मेरा वेट गेन हो जाएगा। अगर आपका वेट लॉस करने का टारगेट चल रहा है तो आप इस डर से नहीं खा रहे हो शायद मैंगोज के आपका वेट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करिए अपने मील के बाद आप मैंगोज ना खाइए। बहुत कम अमाउंट है कैलोरीज की, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, बहुत इजीली आप इसको बर्न भी कर दोगे। 100 कैलोरीज बहुत मैटर नहीं करता है, ये एक बनाना से भी कम है। तो ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग योर मैंगोज। मैंगोज में लगभग 100 कैलोरीज आती हैं, बहुत हेल्दी है। आपके 30% मल्टीविटामिन्स के रिक्वायरमेंट 1-2 मैंगोस ऑलमोस्ट पूरा कर देते हैं। तो बस ये था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। तो गाइज ये था छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग आपके मैंगोस के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, सवाल क्वेश्चन एक ही चीज़ है, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल ये है, ऐसे मैसेज करिए। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट भी दे दूंगा, वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए भी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस योग रतन, योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल दैट स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।